हेलो गाइस, फिजिक्स अमेज वेलकम्स यू गाइस। हर कंट्री, हर स्टेट, हर सिटी किसी ना किसी जगह के लिए प्रसिद्ध होती है। आपने आज तक हर जगह की काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होगी जो कि प्रसिद्ध है, जैसे कि राजस्थान की भानगढ़, ब्रिटेन की एमिली रोज और भी काफ़ी सारी। लेकिन हम आज आपको बताएंगे स्कॉटलैंड की एक मशहूर हेलोवीन की स्टोरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम हमारी मेहनत आप तक पहुंचा सके। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट की बटन दबा देते हैं। ये लगभग 2008 की बात है और वो दिन मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक, डरावना एक्सपीरियंस वाला दिन था और मैं वो दिन भुलाना चाहता हूँ, मगर वो भयानक दिन मेरे दिमाग से मिटता ही नहीं। और जब भी मुझे वो दिन याद आता है तो मेरे पसीने छूट जाते हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं और मेरा कजिन 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तब मेरे अंकल का ट्रांसफ़र स्कॉटलैंड में हो गया था। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि मेरा भाई मुझे छोड़ के जा रहा था, इसलिए मैं उससे वादा किया था कि मैं उसके बर्थडे पर उससे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। तो आखिरकार 5 दिन बाद मेरे भाई का बर्थडे था तो मैं 2 दिन पहले ही स्कॉटलैंड चला गया था। पहले दिन मेरे भाई ने उसके नए दोस्तों से मेरी मुलाकात करवाई और फिर हम सब सिटी घूमने के लिए निकल गए। वो दिन ऐसे ही बीत गया था। दूसरे दिन मैंने भाई से पूछा कि आज का क्या प्लान है, तो मेरे भाई ने कहा कि आज यहाँ पर हैलोवीन मनाया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में भैरवी पूजा मनाई जाती है। तो उसने कहा कि आज हम सब और उसके दोस्त मिलकर भूतिया कॉस्ट्यूम पहनेंगे और सभी के घर से चॉकलेट कलेक्ट करेंगे, यही रिवाज है यहाँ पर। और भाई ने यह भी कहा था कि यहाँ हर हैलोवीन नाइट पर एक औरत अलग अलग रूप में आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। ये सुनकर मैं घबरा गया, लेकिन मुझे हैलोवीन नाइट का मजा भी लेना था। तो हम लोग शाम को भूतिया कॉस्ट्यूम पहन के चॉकलेट कलेक्ट करने निकल गए थे। हमने सबसे पहले भाई की सोसाइटी के पहले घर से शुरू किया और सोसाइटी से चॉकलेट कलेक्ट करने के बाद हम सब वहां से दूर एक दूसरी सोसाइटी में गए थे। चॉकलेट कलेक्ट करने के लिए वहां पर बहुत सारे पम्पकिन और उस सब के चेहरे बनाए हुए थे और हम सब घर से चॉकलेट कलेक्ट करने के बाद एक आखिरी घर बचा था, हमने उस घर का बैल बजाया 2-3 बार मगर कोई नहीं आया। तो हमने सोचा यहाँ कोई नहीं होगा और हम वापस जाने ही वाले थे कि तभी एक बुढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आया और हमें चॉकलेट दिया और हमें अंदर बुलाया और थोड़ा स्नैक्स खाने के लिए बोला, मगर हमने मना किया क्योंकि हमें उस औरत का डर लग रहा था जो कि बच्चों को उठा ले जाती है। लेकिन वो आदमी हमें फोर्स करने लगा, बोला कि मेरे घर कोई नहीं आता है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और हमने ऐसा मना करेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तब हम अंदर गए और एक सोफे में हम सब बैठे थे। उस बुड्ढे आदमी ने हमें कॉफी और कुकीज लाए, हम खाकर थोड़ा गप्पे लड़ा रहे थे और हमने देखा कि रात बहुत हो गई तो हमने उनको बाय कहकर जाने ही वाले थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आते रहना और हमने भी कहा हाँ हम जरूर आएंगे आपसे मिलने। और दूसरे दिन जब हम उस बुढ़े अंकल के लिए थोड़ा चॉकलेट ले जा रहे थे तो मगर हमने देखा कि वहां पर सिर्फ एक पुराना जला हुआ घर है, मगर हम कल जब आए थे तब तो यहाँ पर एक सुंदर बड़ा सा घर था। तभी हमने आसपास के लोगों से पूछा वहां के बारे में, तो हमने जाना कि वहां पर पहले एक बुढ़ा आदमी रहता था, मगर 7 साल पहले वो घर जल जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। फिर हमने जाना कि वो वही औरत है जो रूप बदलकर बच्चों को उठा ले जाती है, मगर वो इस बार बुढ़े के रूप में आई थी, मगर उसने हमें कोई हानि क्यों नहीं पहुंचाई, वो बाकी बच्चों को उठा ले जाती है, तो उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ा, ये सब जानेंगे पार्ट 2 में।
गाइस पार्ट टू हम आपके लिए बहुत ही जल्द पेश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।